जब माताएं पांच पूजन पूरी कर लेती है, अगर मान लो तीन चार पूजन में नहीं भी पहुंची तो पहली पूजन करने के बाद आखिरी में जब माताएं पहुंचती हैं, पांचवी पूजन पर जब माताएं जाती है हरतालिका तीज की पूजन करने के लिए, तब पूजन करने के बाद शंकर का जब विसर्जन करने जाती हैं, तो उस फुलेरे को जितनी भी माताएं बैठी रहती है पूजन में उसका स्पर्श करती हैं, उसका करने का कारण केवल एक होता है कि हरतालिका तीज की पूजन के फुलेरे का स्पर्श करने वाली नारी कभी विधवा नहीं होती है, जो व्रत कर रही हो उस फुलेरे को खोलते समय उसका स्पर्श होना चाहिए, उसको छूना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, आपका वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, हरियाली तीज का शुभ दिन आ गया है जो सावन के शुभ महीने में पड़ रहा है। इस दिन कई माताएं बहनें हरियाली तीज का व्रत रखती हैं। यह व्रत अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति की दीर्घ आयु के लिए, सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। साथ ही साथ कुंवारी लड़कियां अच्छे वर की कामना के लिए भी यह व्रत रखती हैं। इस व्रत में आपको माता पार्वती और शिव जी की विधि पूर्वक पूजा करनी होती है। और यदि आपके जीवन में कोई भी समस्या आए तो हरियाली तीज पर यह बताए गए उपाय करें, आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चलते हैं पहले उपाय की ओर। दोस्तों, चूंकि हरियाली तीज शनिवार के दिन पड़ रही है तो आपको क्या करना है, आपको एक दिया लेना है। वह दिया आटे का भी हो सकता है या मिट्टी का भी हो सकता है, जैसा आपको लेना हो। उसमें चार बाती लंबी लगाना है। उस दिए में सरसों का तेल डाल लें और आसपास पीपल का वृक्ष ढूंढें, पीपल के पेड़ के नीचे चले जाएं और उस चार मुखी दिए को वहां जला दें। ऐसा करने से आपके जीवन में और जिनके विवाह में शनि का प्रभाव ज्यादा पड़ता है वह कम होना चालू हो जाएगा। आपको चारों बाती लंबी लगानी है और सरसों का तेल डालकर ही जलाना है। दोस्तों, हरियाली तीज शनिवार के दिन पड़ रही है तो आप किसी भी काली वस्तु का दान करें तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। आप थोड़े से काले तिल का दान कर सकते हैं, काली मूंग का दान कर सकते हैं, काली मिर्च का दान कर सकते हैं। जो भी काली वस्तु आपको मिले आप उसका दान कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले उपाय की ओर। जिन लड़कियों कन्याओं का विवाह या शादी में बाधा आ रही है या देरी हो रही है या किसी भी कारण से शादी नहीं हो रही है तो वह उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है, हरियाली तीज जो कि कल है उसका व्रत रखना है और विधि विधान से माता गौरी और शिव जी की पूजा करनी है। उनके सामने आपको घी का दीपक लगाना है। घी का दिया आटे का भी हो सकता है या किसी भी प्रकार का हो सकता है और माता गौरी को लाल चुनरी, जो छोटी सी लाल चुनरी आती है उसे चढ़ाना है, श्रृंगार का सामान चढ़ाना है। फिर शादी की कामना या प्रार्थना करनी है। आपके विवाह का युग बहुत ही जल्द बनेगा। जो श्रृंगार आपने माता गौरी को चढ़ाया है उसे आप दान भी कर सकते हैं या मंदिर में जाकर भी दे सकते हैं। ये दोनों उपाय करें, आपकी समस्याएं जरूर दूर होंगी। हम आशा करते हैं आपको दोनों उपाय समझ आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने व सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें।